मैं भी चलूँ ऑफिस। हाँ जी ओके आओ। और अब हम आज हमने दो घंट रख दी है और अब हम मुहूर्त करेंगे। अभी अभी नहीं, एक हफ्ते के बाद, मतलब हफ्ता 10 दिन लग जाएगा उसमें। जब हमारा मुहूर्त हो जाएगा फिर आपको हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अभी मैं कोई भी ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ आज हमने एंट्री की है कि हम इसमें कोई भी अपना चुटपुट सामान जो सेटिंग वेटिंग करनी है वो हम कर सकें इसके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद, स्टे ट्यून, बाय बाय। ये माँ जी के लिए गिफ्ट लेके आए हम न्यू हाउस के लिए। चलो ओपन करो माँ जी। खोलो खोलो गिफ्ट खोलो। ओए माँ जी को मिला साबुन। प्रैंक था जी, प्रैंक हो गया जी। माँ जी को मिले 4 साबुन गिफ्ट में, 4 है ना। चाबी भी रख दे। तुमने मेरे को ना, ये रहने दो, मैं कर दूंगी। कैमरा बहुत भारी होता है, यो बता दो, यो कर लेगी। यो ब्रश तो इसमें देख ले तू, ये कर देना। क्या करना है इसका? टमाटर कट करने हैं, घी बनाने के। तो पहले बड़े की बात, अरे वो उसमें कर रही, वो मिक्सी में कर रहे थे ना इसलिए। गाइस मैं बहुत काम करती हूं ना, दिखता है। बुआ ने कहा ठीक है, एक बार फिर, एक बार उसको संभाल लेगा। तुझे बस बोलना आता है, कुछ कर नहीं सकता, बस बोलना आता है तुझे। ट्राई करके देख ले भाई। ओए देखियो, ये गुड्डू को भी बोलता है ना हमेशा, गुद्दी पे मारूंगा, गुद्दी पे मारूंगा। मार तो सकता नहीं, तो पहले भी ये बोला गुद्दी पे मारूंगा। पहले मेरे को ये बताओ गुद्दी क्या होती है भाई? वो उसको गुद्दी नहीं पता यार, क्या बंदी है यार। तो बेटा हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल घर पे करते नहीं है, हम लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं। हमारे हम चारों जन आपस में शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, गाँव वाले हमारे शब्द गुद्दी और ये सब। ये तो मम्मी के घर में भी चलता है ना मम्मी, मामा का भी खबर बोलते हैं ना हमें, मोदी मामा गुद्दी पे पड़ेगा है उनका भी खबर। इसमें तो बनने दू ना, चाहे कितनी भी पिंड की बने। क्या बना रहे हो? मैं अभी बना रही हूँ छोले और इसमें बना रही हूँ चावल। यहाँ बुआ प्याज काट रही है और ये शेफ, ये शेफ तो नहीं कहेंगे, और ये सिर्फ गेम खेलता रहता पूरे दिन, इसे और कोई काम नहीं है। नमकीन चावल बना रहे हैं, राजमा काट के लाओ, गेरे की तड़का, राजमा में जरूरत नहीं है तरी उसमें। सब काम कर रहे हैं, मैं भी काम ही कर रहा हूँ। बस एक ही बंदा है जो सो रहा है, उसकी शक्ल दिखाते हैं आपको, बुंडी सी शक्ल का। यहाँ पर हमारे प्याज कट रहे हैं, यहाँ बुआ खड़ी है, यहाँ पर टमाटर कट रहे हैं। बुआ प्याज मत काटो। तो बेटा फिर खाना कैसे बनाएंगे? प्याज मत काटो, मत काटो। बिना प्याज मुझे खाना एकदम हाँ अच्छा लगता है, मुझे सरकारी बनाया अच्छा लगता है मुझे। जैसे आज वहाँ खाया था अपन ने, बिना प्याज के, बिना प्याज लहसुन के खाया था ना, निकल गया था। लेकिन मैंने देखे थे 2 प्याज, मेरी नजर बहुत तेज है, डालते ही नहीं बेटा वो लोग। 2 प्याज निकले मैंने देखे है, प्याज नहीं थे वो,
दूध डाल रखी थी दाल में। दूध दाल दूध कौन डालता है? दूध नहीं ठीक घिया 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 डाल रखी थी। लौकी लौकी क्यों ना आ जाएगा मुझे? पानी किस लिए है? इसके अंदर डिप करके रखा था प्याज को ताकि हमारी आंखों में से पानी ना निकले। मेरे मुंह से निकल रहा है। तेरे आंखों में से प्याज निकल रहा है। देखो बहुत जबरी सांस मिलेगी। जबरी एवेज के आया क्या? जबरी डेंजरस। दो दो आइस तीन तीन डब्बे। गुड्डू देख गुड्डू तीन तीन डब्बे। क्या तीन तीन डब्बे? आइस मैंगो खा ही लेगा। एक दो डाल दे। ये दी बुआ ये लो पास करो आगे जाओ तुम्हारे आलू रखे हैं मैं लो। थैंक यू। हाँ ना आलू भी ले उड़े गया। हाँ काटना है आलू चटनी के लिए। क्या एक प्याज दो टमाटर आलू की चटनी के लिए आलू चटनी के लिए पाव कुछ नहीं। दो प्याज तीन तीन माजी कभी गाली निकालती है? गुड्डू कभी नहीं निकालती ना माजी। बताओ मैं प्याज काटती जा रही हूँ ये सारे मैंने गाली काट है गाड़ी की तो सारे पेज उठा कर ले गई। फिर हम नून का फोन करा मखा जी नून आप सारे पेज उठा के ले गए वरुण तो देख जाइयो वो उसको के लिए आई उसकी सासू गंदी गंदी गाली पड़ गए। ना मेरी सासू लड़ाकी नहीं लड़ाकी मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा करने वाले कोई भी नहीं है आज तक घर संभाल के रखा हुआ है। तेरी सासू जी से तो कोई को नहीं भाई। अरे मैं थारी बात कहूँ आज भी ईव जाओगी पट पट करती रसोई में देख और फटफट बना के ले आओगी। लड़ाकी को नहीं गाली को नहीं काटनी काटी भी नहीं कदे बस वो आपके पीछे से देती होंगी तो नहीं बेटा पीछे से भी नहीं देती पीछे आती भी दो, नहीं है। पीछे भी दो चूहे बैठी हैं पीछे भी वो देती है बेटा जिसको आगे आगे कभी दी हो तो पता चलता है ना कि आती तो है कम से कम आती नहीं है बेटा ना आगे लगी भी तो देख लो तो निकल जाएगा जिसने आती हो उसके आगे पीछे निकल ही जाए। नानी नहीं देती? हाँ नानी नहीं देती मैंने नानी को। तो फिर नानी पे क्यों ना गई कोई सी जरूरी था सबने नानी पे जाना। नानी बस बात करती है ये कह रहे हैं ना सर नाना देते इसलिए सारे देते आलू की चटनी बनेगी दो बड़ा बाप का गया से दो प्याज क्या दे मटर दही कैसे प्याज दे दो और देके गई मम्मी चटनी के लिए। अच्छा अभी एक वो पिस्टन वाले काटने थे एक लंबे काटने थे इसकी पिस्टन ये डाइस काटने के लिए ये आप काट लो फिर उसके बाद सलाद के आलू ये सारा आपको कौन आ मेरे तो देख ले अभी भी एक भी को नहीं आया है दीदी आंसू को नहीं आवा ना तो तारा सिर्फ प्याज काट रहे दम सो मेरे से ले तो रात तक चॉपिंग सिर्फ प्याज काट एक चॉपिंग बोर्ड ला दो एक बढ़िया वाला चक्कू ला दो मैं काट के जाऊंगी घर बैठे बैठे। और अरे पंखा चला दो यार मारोगे की गर्मी में आज के लिए बंद करा मैं यहां 150 रुपए थोड़ी देर में आवन नु भाई दीदी कौन सी शेप के प्याज काटे सलाद वाले काटे या तड़का वाले काटे हाँ दनी कट रहा सी
से डर रहे ना बुआ तो बेटा कोई ऐसे यो भी मेरे का ही कैमरा कर दे मैं बोलूं जब भी जो बोलेगा उसकी तरफ करूंगा इससे सब ठीक है। मेहनती तो उस दिन ही सी आलू ने तुसी आलू एकदम बनांदे हो दीदी लंबे लंबे नहीं कटे अरे आलू की सब्जी है लंबे काट लो छोटे काट लो तो खा लेना भाई ये तीसरी बार पता चल रहा मुझे तीसरी बार पता नहीं 10 बार की दाई है जीरे वाले आलू नहीं मैं जीरा भी है इसमें अलग से काट काट के दिखाऊंगी तो बिठारे घर आए मैंने 7-8 साल हो गए मैंने बेरा बोली हम किसा खाना खाओ मैंने तो वो बेरा मैंने वो बेरा मैं किसा बनाऊ मेरा मैं तो मिली थी 4 महीने पहले मैंने कौन कौन बेरा मन तो 7-8 साल हो गए इनके घर गए हुए आप कब गए थे मैं तो नोटबंदी हुई थी उससे भी पहले गई थी 2017 में नोटबंदी हुई थी उससे भी पहले गई थी मैं 16 में हाँ तो 16 में गई नोटबंदी वाले टाइम पे भी मैं को नहीं गई थी उससे भी 1 साल पहले गई थी मैं तो हाँ जब तो ये गए थे मम्मा यहाँ रख दो फोन के लिए 2015 की गई थी मैं ये गोटियाँ यहाँ 2023 चल रही है मैंने कालू और चीज़ दीदी क्या कर दो इसलिए मैं क्या बटापटी खत्म हो उससे पहले जो मिल जाना चाहिए ना वो चुपचाप खाने लगना चाहिए बेटा जब भूख लग रही होता ना जो बंदा चुपचाप खा लेता है जो भी मिले वो नखरे जब भी आते बंदे को जब थोड़ा सा पेट भरा हुआ सबर रेस्ट है हाँ कुछ और मिल सके है लो जी थई गई मोटा बहन थई गई आलू किसमें डाल उसमें डाल देगी चावल आलू छीलने वाला चक्कू दो पूछने का आलू रेडी हो जाए काटते ना हिसाब से काटूंगी ना अरे जरा जल्दी हिसाब बता सिर्फ आपको चावलों में डालने वाले आलू काटने हां तो ऐसा बताना पड़ेगा कि अलग से भाई ने बताया था उस शेप में जीरे वाले आलू अरे छीलने वाला चक्कू दो लो जी चक्कू नहीं लगा रहा हूं मैं ये इतना गर्म क्यों है इनके गैस के ऊपर था ये हमारे घर ने भान बेटी ने बुलाया इस तरह ने काम दादा हम ने कह देते हम आ जाते